नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। मेरा ये वीडियो है अमिताभ बच्चन जी के लिए। अमिताभ बच्चन जी का शो केबीसी शुरू हो गया है एंड केबीसी में फर्स्ट एपिसोड के अंदर कंटेस्टेंट को पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के अंदर एक्ट्रेस कौन थी। जब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बातचीत हुई तो ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि उनकी मौत बहुत दर्दनाक थी। जी अमिताभ बच्चन जी, उनकी मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने उनकी मौत के बाद आवाज उठाई। मैंने आवाज उठाई, मुझ जैसे बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई जो सुशांत सिंह राजपूत को पर्सनली मिले भी नहीं थे। आप तो ऑब्वियसली उनके साथ इंटरैक्ट कर चुके थे, मगर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई जस्ट फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स का सेवन होता है वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। आप बॉलीवुड के वेटरन आइकॉनिक सुपरस्टार हैं, आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आवाज उठाए सही चीजों के लिए। आपने कोरोना वॉरियर्स के लिए वीडियो बनाया, आपने नानावती हॉस्पिटल के नर्सेस और डॉक्टर्स के लिए वीडियो बनाया, मगर आपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए वीडियो नहीं बनाया। ये देखकर हमें दुख हुआ और हमने आपके ऊपर वीडियो बनाया। आशा करती हूं कि आप आने वाले समय में ड्रग्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे और आशा करती हूं कि आप लोगों से आग्रह करेंगे कि बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स का सेवन होता है उसे बंद किया जाए। आपकी धर्म पत्नी ने जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो ऐसा डायलॉग संसद में बोल के ड्रग्स के सेवन को एक स्टैंप लगाया है कि ड्रग्स का सेवन करना बॉलीवुड के अंदर सही है, सही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, वो तो हमें सीबीआई बताएगा, मगर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिलने के लिए हम उसके लिए आवाज उठा रहे थे और आशा करते हैं कि आप भी आगे जाके आवाज उठाएंगे या बोलेंगे और ड्रग्स के लिए भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि आपसे ये उम्मीद है हमें। आप बॉलीवुड के आइकॉनिक एक्टर हैं, आपने बॉलीवुड के अंदर उतार चढ़ाव देखा है, आपको ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आप अगर आवाज उठाएंगे तो जो सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय जैसे सुपरस्टार्स हैं वो शर्मो शर्मी में भी आवाज उठाएंगे। सो प्लीज डू दैट, मेक अ वीडियो ऑन द ड्रग यूज स्टॉप इन बॉलीवुड। नमस्ते, जय हिंद।